मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी अपने हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में निकले हैं। ग्वालियर चंबल संभाग का उन्होंने द्वारा किया है, जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। उन्होंने अपने मोबाइल से खुद बाढ़ ग्रस्त इलाकों की फोटो अपने कैमरे में कैद की हुई है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में आई त्रासदी एवं तबाही को कमलनाथ जी ने द्वारा किया है। और उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद है। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने दतिया एवं भिंड जिले में आई त्रासदी को लेकर कमलनाथ जी से चर्चा की है। देखा है कि कितना नष्ट हुआ है। आज ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें, सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं, जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और शिवपुर जा रहा हूँ। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हुई, बड़ी सड़कें हुई, हजारों हेक्टर जमीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है। इसका कैसे आकलन किया जाएगा? जो फसल नष्ट हुई है, जो मकान टूटे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, ये सब वापस कैसे लाया जाएगा? केवल घोषणाएं करने से कोई रिलीफ, कोई फायदा लोगों को नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। कितने सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे, गांव की सड़कें मैं देख के आ रहा हूँ, नष्ट हैं। गांव का गांव खाली है, बहुत सारे गाँव में तो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है, उनको रिलीफ कैंप में भेजा है, उनको वापस आना है। जो भी उनका मकान बचा है, प्रभावित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो जिसके पास कोई घर नहीं रहा, हमारी माताएं और बहनें हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, उनकी छोटी छोटी जो दुकानें बह गई हैं, तो ये क्या? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो अगले साल भर के लिए आप बिजली पूरी माफ़ करिए। मैं तो कहता हूँ कितना आप देंगे? आपने कहा लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहाँ पहुँचेंगे, सीमित समय बता दीजिए। ये आज आवश्यकता है। और केवल शोमैनशिप की, ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खुले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया है साहब, देना था। ये अचानक थोड़ी ना बारिश गिराती है। मौसम विभाग पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि दतिया ऑरेंज जोन में, शिवपुरी रेड लाल जोन में, शिवपुरी और शिवपुर लाल जोन में, वहाँ आज ये इतनी बारिश गिर सकती है। जब आप देख रहे हैं और ये 2 दिन पहले ये बता देते, तो ये सब तो पहले से पता था, अचानक ये आपदा नहीं आई। 2 दिन पहले से पता था कि ये ऐसी बारिश आने वाली है। सर, सरकार का लेकिन दावा है कि उनकी सतर्क कि कोरोना के टाइम में भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपदा में भी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, कोरोना के टाइम में पूरी मध्य प्रदेश की जनता का भाई, ये तो इन्होंने लोकसभा में कहा, स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। अब झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं। जो सरकार झूठ पर टिकी हुई है,
हर चीज में झूठ। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन थी, कितना इंजेक्शन थे, मैंने ग्वालियर में इंजेक्शन, मैंने ग्वालियर में यहाँ भी आए। और बड़े शर्म की बात है कि सब देशों ने अभी 3 दिन तक इंडिया को बैन किया था कि आप आ नहीं सकते, हमारे हमारे देश में आप आ नहीं सकते। इंडिया को केवल बैन किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या सच्चाई लिखी है, कितनी कितनी मृत्यु हुई, सही आंकड़े मृत्यु के कोविड में तो शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिलेंगे। और जिस जो लाश ले जा रहा है शमशान घाट, वो कहेगा इसका कोविड सर्टिफिकेट ही है, वो कोविड सर्टिफिकेट लेने जाएगा या शमशान घाट जाएगा, इसका कोविड सर्टिफिकेट तो इसे हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ 80%, ये तो सब अखबारों में निकला है, 80% लाशें जो कब्रिस्तान में गई और शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई, लाखों में इनकी संख्या है। भाजपा का भी आरोप है कि कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरे की। हमारे घर की चिंता ना करें, यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते हैं और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, दबाने का, दबा लो, कुचल लो, फर्जी केस लगा लो, ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी। देखिए अंत में जनता गवाह है, ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लें। और मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लीजिए, जो प्रभावित हैं पूछ लीजिए उनसे। नरोत्तम जी लिफ्टिंग हो रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से, क्या देखिए ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। हाँ आज अनुत्सव मन रहा है, प्रधानमंत्री अंदर फ्री राशन वितरण कर रहे हैं, परिवार को दिया जा रहा है, आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ आप फंक्शन करिए, कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और ये कर रहे हैं अन्य महोत्सव 2 दिन पहले। कौन सा अन्य, ये हालत है, ये उत्सव बना रहे हैं, ये क्या उत्सव बनाने का समय है? सर भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, कह रही है अगले नेता नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी होंगे। देखिए परिवारवाद का ये आरोप लगाएं, नकुलनाथ जी ऐसी कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देते, ये भी आप जानते हैं। हाँ वो छिंदवाड़ा तक सीमित हैं, मैंने तो उनको कहीं दौरे में भेजा नहीं, हम लोग तक नहीं मिले, नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब पर राजनाथ सिंह का बेटा क्या है बीजेपी में। देखिए सर्वे तो साफ दिख रहा है कि कैसे मकान टूटे हैं, कैसे गांव खाली के खाली पड़े हैं, एक व्यक्ति नहीं घूम रहा था गांव। हम तो 200 फुट की हाइट पर थे, वहां उस हाइट से तो शक्ल भी पहचानी जाती है, एक व्यक्ति नहीं निकल रहा था। ये हालात है, पुल टूटे हैं, फसल चौपट है, जमीन नष्ट है, तो ये तो बहुत बड़ा आपदा पूरे प्रदेश के लिए है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जन अदालत न्यूज पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। मेरे सारे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, इंटरव्यू किस तरीके से करना है ये इसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9755157059। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन में घर बैठे आप इंटरव्यू के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के मुद्दों को उठा सकते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आप देर ना कीजिए, हमारे चैनल पर घर बैठे इंटरव्यू करने के लिए नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं।